एबीसी न्यूज़ पे हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। शहर के विकास कार्यों की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जल निगम अधिकारियों पर इतना नाराज हुए कि उनकी कार्य प्रणाली को लेकर बड़ी टिप्पणी कर डाली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जल निगम के कामकाज को लेकर विधायकों ने जब नाराजगी जाहिर की तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को यह टिप्पणी करनी पड़ गई कि इनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। यही नहीं, अमृत योजना के तहत हर घर जल योजना में भी लापरवाही पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। विधायक नीलिमा कटियार ने अमृत योजना के तहत बनियापुरवा एसटीपी का मुद्दा उठाया तो उसको लेकर भी जल निगम अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसको लेकर भी उन्हें फटकार लगाई गई। इसी तरह रामादेवी चौराहे के सुंदरीकरण में देरी को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। फटकार के घेरे में जल निगम देहात के अधिकारी भी आए। इसके अलावा बैठक में कानपुर सदर तहसील पर अत्याधिक लोड होने की बात कही गई, इस पर साउथ सिटी में एक और तहसील खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जो हर त्रैमासिक समीक्षा करता हूं मैं, उसकी बैठक थी जिसमें हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, सब लोग उपस्थित होते हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है और उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जो भी विषय यहां पर लाए जाते हैं बैठक में हमारे समक्ष, उनके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग होती है, प्रगति के बारे में जाना जाता है, आवश्यकता करने पड़ने पर उसके आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत पूरी हो। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर मीटिंग हुई, रिंग रोड की समीक्षा हुई। मुझे लगता है कि तीन पैकेजेस के अंतर्गत वहाँ पर काम शुरू हो गया, चौथे पैकेज में भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, मेरे दो महीने में उसका टेंडर हो जाएगा। कानपुर के जो अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर बातचीत हुई, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जल पानी की योजना है उसके ऊपर बातचीत हुई। विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे वो कैस्को से संबंधित हो, कैस्को के पिछले दिनों बिजली की प्रॉब्लम थी उसके समाधान के संबंध में हो, बांस बल्ली के ऊपर जो हटाकर उनको पोल लगाकर उसके ऊपर बात करने की आवश्यकता हो, कानपुर लखनऊ के जो रोड बन रही है NHA के द्वारा उसकी हो, डोमनपुर से एक पुल बना हुआ था उसके उन्नाव की तरफ की सड़क बह गई थी उससे संबंधित हो, एक पुल यहाँ पर और प्रस्तावित था जो सरसैया घाट से ट्रांस गंगा के लिए था उसके ऊपर बातचीत हुई है। सैमसी झील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है, उसकी 1 जनवरी का हम उसका शुभारंभ करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं जो डे टू डे जनता से संबंधित होती हैं और जनता के लिए जो आवश्यक होती हैं।